दिल्ली के करोल बाग में आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी भी यहां पर दिल्ली के करोल बाग में इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए आए, जो कि वो भीड़ में दिखाई दिए कि वो भीड़ में पीछे ही बैठे रहे और कहीं पर भी आगे मंच पे जाने की भी उन्होंने इच्छा भी जाहिर नहीं की। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं और कुछ टीवी चैनल्स के भी लोग हैं यहाँ पर, और मंच जो है वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। करोल बाग में हजारों की तादाद में आम पब्लिक भी आई हुई है और भी कुछ नेता आए हुए हैं, कुछ समर्थक आए हुए हैं, वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आम आदमियों के में बीच में बैठे हुए एक चेहरा दिखाई दिया है मुझे, जिनका नाम है जयप्रकाश सिंह और दिल्ली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी रहे थे, जिन्होंने 13 तारीख को एक सम्मान प्रोग्राम भी किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी हस्ती यहाँ पर आम आदमियों के बीच में बैठी हुई है। सर, पहले तो बहन जी का जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को मुबारक। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप इस तरीके से आम आदमियों में बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी आपको हिचकिचाहट नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, सभी को जानकारी है कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ जी। मैं तो नाली का कीड़ा था, मुझे कोई नहीं पूछता था, लेकिन आदरणीय बहन जी की मेहरबानी रही, माननीय ML तोमर साहब ने मुझे बहन जी के चरणों में पहुंचाया, उसके बाद माननीय अशोक साहब ने रिकमेंडेशन करी, तो उसकी फिर बहन जी का आशीर्वाद रहा और बहन जी ने अब अपना हाथ उठा लिया तो मैं तो फिर ज़मीन पर हूँ। पहले भी ज़मीन पर था और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर बहन जी अच्छा सोचेंगी, अच्छा होगा। सर, आपने हाथ हटाने की बात कही, पर हम लोग ये सुनते भी आए हैं कि BSP के नारों में और BSP के लोगों में और देश के लोगों में यही बात की जाती है कि अगर कोई देवी है इस धरती पे, अगर कोई देवी है तो जिंदा देवी जो है वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। और सुनने में आया जो देवी होती हैं या जो गार्जियंस होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों का अनहित नहीं करती, तो बहन जी क्या आपका अनहित कर पाएंगी? नहीं, देखो मैंने पहले भी कहा था, मैंने लखनऊ में कहा था कि बहन जी बुद्ध है। बुद्ध का मतलब किसी का वैसे नहीं बोल रहा मैं, बुद्ध की परिभाषा में वे लोग आते हैं जब समाज संकट में फंस जाता है, उस समय संकट में फंसे हुए समाज को जो सही रास्ता देता है दैट इज कॉल्ड बुद्धा। अकॉर्डिंग टू दैट लैंग्वेज दैट डेफिनेशन बहन जी आल्सो इक्वलेंट टू बुद्धा। तो बुद्ध कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते जी। तो ये बात आपने भी कही है, ये बात मैंने पहले भी कही थी, सोशल मीडिया पर डाली थी। कुछ हो सकती है, कुछ भ्रांतियां ऐसी हो गई हैं या किसी असामाजिक तत्वों ने आपके बारे में कुछ तत्व अलग तरीके के डाल दिए हो, जब वो तत्व सही होंगे तो क्या बहन जी के साथ आप कंधे से कंधा मिला के या उनके साथ में बहुजन समाज पार्टी का काम करेंगे आप? देखिए, मैं आज भी बहन जी के लिए काम कर रहा हूँ, जिंदगी भर करता रहूंगा। और जो इसकी बात आप बारे में बात कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब तक काम करता रहूंगा इस उम्मीद से काम करता रहूंगा कि कभी तो मेरी सच्चाई बहन जी तक पहुँचेगी, इसलिए मैं उस उम्मीद को लेकर के काम करता रहूंगा। और ऊपर से सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा हेड हमको जाने कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं जी। तो मैं बहन जी के लिए क्या, मैं तो मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आज हमारी नेता जो है वो बहन जी है इस मूवमेंट की, इसलिए बहन जी के लिए काम करना माना जाएगा वो भी। सर, एक पर्सनली सवाल ये है कि लोगों का भी यही सवाल है कि जयप्रकाश सिंह को बहन जी ने क्या राहुल गांधी के लिए निकाला था या बैकवाइटिंग हुई थी उसके कारण निकाला गया था? देखिए, इसमें दोनों बातों का डाउट होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर जैसे अगर किसी के पैर में गला बजाता है तो आदमी पैर काटता है, डॉक्टर पैर काटता ना कि शरीर काट देता है, पूरा डेथ नहीं करता है वो, तो ऐसा हो सकता है बैक बाइटिंग का कुछ चक्कर रहा होगा, उन्होंने फैलाया होगा अफवाहें कि बहन जी वो तो बहुत ज़्यादा फेसबुक पर रहता है, ऐसा रहता है, तो कुछ कहा होगा बहन जी से, बाकी मुझे लगता नहीं है। अब मुझे उम्मीद है, मैं बहन जी के काफ़ी नज़दीक तक मैं बहन जी के चरणों में बैठा हूँ कई कई घंटे, बहन जी का जितना नरम दिल है ना इतना पूरी दुनिया में किसी का नहीं है जी। मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले भी कहा भारत के इतिहास में ऐसा रहा है BSP राजनीति में निकलने के बाद पार्टी से, या तो उसने बहन जी की बुराई करी है या अपना कोई संगठन बनाया है या किसी दूसरे संगठन में चला गया है, ना तो मैं कभी बहन जी के लिए मैं कभी ऐसा कुछ करूंगा, नंबर 2 ना कभी संगठन बनाऊंगा, नंबर 3 ना किसी दूसरी पार्टी में जाऊंगा,
मुझे इस मूवमेंट में मैं पैदा हुआ हूँ, इसी मूवमेंट में मरूंगा और बहन जी के लिए काम करते करते मेरी आखिरी सांस जाएगी। जी आपने अभी फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर और यूट्यूब की बात की, क्या यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप जो है ये एक जागरूकता फैलाने के लिए एक अच्छा काम है? तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बहन जी को तो और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, बहन जी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये बीच में जो कुछ लोग हैं ना जी, वो बहन जी को कन्फ्यूज करते रहते हैं कि बहन जी तो नेता बन रहा है अपने आप में, सारे बच्चे इसके साथ सेल्फी लेकर फोटो डाल देते हैं, तो बहन जी को तो कन्फ्यूज किया उन्होंने। लेकिन मुझे जो है, मेरा दिल बोलता है कि वो कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं और जल्दी ठीक हो जाएगा। सर आपने नेता की बात कही कि ये नेता बन रहा है, तो बहन जी ने तो जयप्रकाश को नेता पहले ही बना दिया। नहीं तो उन लोगों को क्या चिढ़ हो रही है, नेता बन रहा है? नहीं, बहन जी ने कार्यकर्ता बनाया था जी। बीएसपी में केवल एक ही नेता है बहन जी, बाकी सबको बोलते ही है लेकिन असलियत में वही है जी। जी लेकिन नेता का मतलब नेगेटिव फॉर्म में पेश करना किसी चीज को जी। जी नेता का मतलब नेगेटिव फॉर्म में पेश करना वाली बात है जी। बिल्कुल, 2019 और बहन जी का 64वां बर्थडे आप किस रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट साल है हमारे लिए, और सबसे बड़ी बात है कि समीकरण मैच करते जा रहे हैं। एंटी बीजेपी माहौल चला हुआ है, कांग्रेस का कोई जोर नहीं है कोई खास। मैं पहले भी कहता था कि वो आदमी सफल नहीं हो सकता कभी राजनीति में, अकेली नेता बहन जी बची हुई हैं। अब बहन जी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया ही है, अब वो भाई हमारे तेजस्वी भी पहुँच गया है बहन जी के पास में, तो इस हिसाब से बिहार और यूपी बहन जी ने कवर कर लिया है। इससे माहौल पूरे देश में जाएगा और भी क्षेत्रीय पार्टी बोलेंगी बहन जी से, तो बहुत बढ़िया माहौल होगा। लगभग बीएसपी 100 सीटें जीत करके कम से कम बैलेंस ऑफ पावर बन करके और बहन जी को इस देश में पीएम लाने के लिए काम करेंगे जी। आपने पीएम की बात की और परसों 13 तारीख को आपने बहुजन सम्मान महासभा की, जिसमें कि सभी देश के पीड़ित लोगों को आपने वहाँ सम्मान दिया, और जो बीएसपी के कुछ ऐसे लोग थे जो रूठे हुए थे उनको भी आपने जोड़ने की बात कही वहाँ पर। और मुझे ये लग रहा था कि आप नई पार्टी का कोई वहाँ पर घोषणा करेंगे, बहुत सारे वहाँ पर तकरीबन 25 से 30 हज़ार आदमी मैंने खुद देखा, और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं जनसंख्या में, 25 से 30 हज़ार आदमियों में हज़ारों लोगों की एक मंशा यही थी, सोच ये थी कि आप कल कोई पार्टी की घोषणा करेंगे, और आपने वहाँ पर बहन जी का संबोधन किया, बहन जी के चरणों में पड़ा रहने के लिए कहा, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बीएसपी में एक नई लकीर खींचना चाहता हूँ। अब तक ऐसा रहा है कि लोगों ने बुराई करी है, नई पार्टी बनाई है, किसी पार्टी में गए, हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं जिंदगी भर नहीं करूँगा। मैंने पहले कहा, मैं जो भी कुछ हूँ वो बहन जी की देन है, तो इसलिए बहन जी को पीएम बनाने के लिए पूरी जिंदगी काम करता रहूँगा। मुझे कोई मेरा अपना कोई लालच नहीं है। आज समाज ने मुझको स्थान दिया है, समाज मुझे लाइक करता है, नौजवान साथी लाइक करते हैं, मैं किसी और की तरह मूवमेंट को बिखरने नहीं दूंगा और बहुजन समाज पार्टी की आरपीआई की तरह टुकड़े नहीं होने दूंगा, जितने मेरे एफर्ट्स हैं। और आज हमारा जो आने का यहाँ मकसद है, कुछ हमारे पास, हमने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए बहन जी के लिए, तो हम लोग यहाँ पर, बहन जी का जन्मदिन 63 वाला है, तो हम लोग 63वां जन्मदिन पे 63 संविधान देने के पर्पज से यहाँ पे आए हैं। हम मंच से रिक्वेस्ट करेंगे, जो मंच संचालन कर रहे होंगे, कि जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं दिल्ली में, अच्छा, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप उनको आमंत्रित करके संविधान दे दो, हमारा नाम मत लो, हम खुद पार्टी के लिए कार्यकर्ता छोटे से, तो इस पर्पज से हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम देख के जाएंगे इनको साथ। एक सवाल और आखिरी सवाल ये कि बहन जी अगर दिल्ली में होंगी, अगर आज आप दिल्ली के करोल बाग के प्रोग्राम में हैं आज, और दिल्ली में अगर बहन जी होती है तो आप उनके पास उनको बर्थडे विश करने जाएंगे? बहन जी बहुत बड़ी चीज़ है, मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैंने लाइव कर दिया बहन जी को, बहन जी की उम्र बहुत बड़ी हो, हमारी उम्र भी बहन जी को लग जाए, ठीक है, थैंक यू। और अगर बहन जी ने केक खाने के लिए आपको बुला लिया तो? हाँ, तो कौन जा सकता, जरूर जाएंगे, मुझे भी लेके चलना सर, थैंक यू। जयप्रकाश जी को मैं बता दूं कि दिल्ली के करोल बाग में जयप्रकाश जी एक आम जनता के बीच में, आप देख सकते हैं कि मंच तो बहुत दूर लगा हुआ है। अभी जयप्रकाश जी को देखा कि बहुत पीछे की साइड वो बैठे हुए हैं और बीच में बैठे हुए हैं, मंच बहुत दूर लगा हुआ है और सभी लोग मंच की तरफ देख रहे हैं, पर जयप्रकाश जी अपनी बहन जी का जन्मदिन मनाने के लिए पब्लिक के बीच में बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई नेता उनके साथ हो, कोई अभिनेता साथ में हो,
कोई अधिकारी साथ में हो, अकेले ही एक दो लोग जो हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपको और भी लोगों से मिलवाता हूं। दोस्तों, मैंने अभी जयप्रकाश जी से आपको मिलाया था जो कि भीड़ में बैठे हुए थे एक आम आदमी की तरह। मैं एक चीज और पूछना भूल गया था, वो दोबारा से पूछता हूँ। सर, एक क्वेश्चन और मेरा रह गया था, आज आपकी क्या प्लानिंग है बहन जी के जन्मदिन पे? देखिए, नंबर वन तो यह है कि बहन जी का ये 63वां जन्मदिन है जी, तो हम लोग हमारी गाड़ी में रखे हैं 63 संविधान जी, वो हम समाज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो जो साथी कार्यकर्ता हमारे जो बहन जी के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़े जी। एक तो हमारा ये उद्देश्य है। दूसरा ये है कि माननीय बहन जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि जिसको आकर के काम करना है वो मेरे बैनर के नीचे काम करे, BSP के बैनर नीचे काम करे। तो पहली बात तो पहले हमारा कोई बैनर था ही नहीं, और नंबर टू अगर उसको बैनर माना गया, उसको कोई संगठन माना गया, तो हम उसको डिजॉल्व करते हैं और हम आज के बाद BSP के बैनर के नीचे ही काम करेंगे। और जहाँ भी हम जाके कैडर कैंप लगाएंगे बहन जी के लिए, वहाँ पर हम लोग बहन जी का फोटो लगाकर काम करेंगे। पर अगर बहन जी के बैनर के नीचे आप काम करेंगे, शब्बीरपुर में 1.5 साल पहले बहन जी जब गई थी सहारनपुर, तो उन्होंने वहाँ पर भी कहा था कि अगर BSP के बैनर पे आप अगर काम करते हो तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ एट्रोसिटी नहीं कर पाएगा, या छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, मारपीट नहीं कर पाएगा, कोई भी असंवैधानिक घटना नहीं हो सकती है। और फिर आपने एक रथ भी चलाया, उसमें बहन जी का आपने फोटो लगा लिया, तो आपके ऊपर FIR भी हो गई, और आप बैनर पे काम करेंगे तो आप तो शायद नेस्तनाबूद कर जाएंगे। नहीं, पहले जो है, पहले मतलब बहन जी ने बाद में कहा है, उस घटना के बाद कहा है। नहीं सर, अभी आपने देखा होगा, सुनो, बाद में कहा था जब मैं रथ मार्च को लेकर के लखनऊ लगभग पहुँच चुका था, वाराणसी मैं गोरखपुर में था, तो तब बहन जी की PC आई थी, उन्होंने कहा जिसको भी काम करना है वो हमारे बैनर के नीचे आकर काम करे। नहीं, मैं सर ये कह रहा था, ये तो कहा ही था बहन जी ने 1.5 साल पहले शब्बीरपुर में भी कहा था यही। हाँ, तो कहा था जी, हाँ बिल्कुल। तो क्या अब अगर वही काम अगर आप फिर से करते हो तो बहन जी नहीं करती है ऐसे काम, पर ये जो लोग जो कान भरने वाले हैं वो उनके देखिए देंगे। देखिए, जो इवेंट जो पहले घटा जी, जब बहन जी ने उसके लिए कहा या जिलाध्यक्ष ने मेरे ऊपर FIR कराई जी, उसके बाद बहन जी ने कहा है, कॉमनली वो पब्लिकली कहा है, मीडिया में कहा है कि जिसको काम करना है वो कोई नया बैनर बना के काम ना करे, बल्कि BSP के बैनर के नीचे आकर काम करे। मैं कब काम करने के लिए मना कर रही हूँ? तो तब हमने सोचा कि अब हम इसको रथ को अपने को ही समाप्त करते हैं और उसके बाद में हम इसी बैनर के नीचे काम करेंगे अपनी पार्टी के। तो बैनर के नीचे काम करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? भाई, बहन जी ने कहा है तो बहन जी का आदेश है, अब इसे किसी क्या हो सकता है क्या बाबू जी? नहीं, फिर कोई ये आरोप लगाए, कोई ये आरोप लगाए कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे थे अब आप पूर्व में हो गए, वो पैसा कमाने के लिए ये बैनर फिर से यूज़ कर रहे हैं। बाद में कहा है बहन जी ने जी, अभी कुछ दिन पहले कहा है। कानून का भी ये नियम है, सबसे बाद वाला कानून माना जाता है, पहले वाले रिजल्ट मानते हैं जी। तो पहली वाली बात है वो खारिज मानी जाएंगी, और जब बहन जी ने बाद में जो कहा है उसको जायज माना जाएगा। यानी कि आप अपने को भी खारिज कर रहे हैं अब? बिल्कुल, बहन जी ने कहा कि आप कोई बैनर मत बनाओ, अगर ये माना जाता है बहुजन यूथ फॉर मिशन कोई बैनर है तो हम उस बैनर को नहीं मानते हैं। हम बहन जी ने कहा कि आओ हमारे नीचे आके बैनर के नीचे काम करो, तो हम बैनर के नीचे काम करेंगे। हम तो यानी अब यूथ फॉर मिशन 2019 का जो रथ था उसको आप कैंसिल करके बहन जी के ही बैनर पे ही काम, बहन जी के बैनर पे काम करेंगे, कैडर कैंप लगाएंगे और बहन जी के लिए जो प्रधानमंत्री बनने के लिए नौजवान लोगों को तैयार करेंगे हम लोग, ये काम करेंगे हम लोग जी। दोस्तों, आपको एक बहुत तमन्ना चाहती जी कि बैनर के नीचे काम करें, तो हमने बैनर को उसको रिजॉल्व कर दिया, वो तो ऑलरेडी था ही पहले से, कोई था नहीं वैसे। अच्छा, एक चीज और कि अगर आपको कोई पद नहीं मिल रहा है तब भी आप काम करते? हाँ, हम जिंदगी भर काम करेंगे, पद मिले चाहे ना मिले, हम तो पहले भी आम आदमी थे अब भी आम आदमी है, बहन जी हमारी नेता है, बहन जी को नेता मानते रहेंगे। मैं आपको पूरे भारत में देख रहा हूँ, आपकी टीम बड़ी सॉलिड है, ये सॉलिडपन आया कहाँ से है? ये देखिए, ये कुछ नहीं है, केवल आपके जो ना मनोबल मजबूत होना चाहिए जी, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। जिस आदमी के अंदर विल पावर कॉन्फिडेंस होता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आदरणीय बहन जी से सीखी हैं, माननीय तोमर साहब से सीखी हैं, अशोक साहब से सीखी हैं, आप सब साथियों से सीखी हैं। ये भाषण देना भी आपने बहन जी से सीखा है, बहुत जानदार भाषण देते हैं आप भाई। बहन जी तो मैंने परसों पब्लिक में जब पूछा तो बहुत तारीफ हो रही थी आपकी कि आपकी बेबाकी तरीके से आप भाषण दिया करते हैं। मैं बहन जी से, देखो मैंने बहन जी को सुना था जब बहन जी नागपुर में स्पीच करने गई थी, तो साहब भी उनके साथ थे, तो बहन जी ने कहा था कि जायज बात चाहे किसी भी समय हो हमें बोलनी चाहिए। तो मैंने देखा तो बहन जी काफ़ी मजबूती से उस टाइम बोलती थी, अब भी अच्छा बोलती है, तो इसलिए मैं तो बहन जी से सीख रहा हूँ, बहन जी को बोरो कर रहा हूँ, बहन जी को ही मैं फॉलो करता हूँ।
युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? युवा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई दोस्तों, अगर शिक्षा रोजगार पाना है तो बहन जी को पीएम बनाना है। इन और जो लफड़े चल रहे हैं, चाहे वो किसी का भी हो, मैं उसको ओपन नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं, उनको सबको हटाओ और शिक्षा रोजगार पाने के लिए बहन जी को पीएम बनाओ। सभी जाति धर्म के लोग बहन जी को पीएम बनाना चाहिए। और बहन जी का मौका भी है। एक आखिरी सवाल और, आपके जो विरोधी हैं उनसे आप, उनके लिए आप क्या संदेश देना? देखिए, पहली बात तो मूवमेंट में कोई विरोधी नहीं होता जी। मान्यवर साहब कांशीराम खुद कहते थे कि इसमें अगर आप बुराई करोगे, वही अपने परिवार हैं, वही अपने घर हैं, अगर उनमें हम लोग विरोधाभास पैदा कर लेंगे तो समर्थन कौन बनेगा। मुझे पता आज परिस्थितियाँ ऐसी हैं, लेकिन आज जो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद मुझे इस बात का उम्मीद है कि ये लोग तारीफ भी करेंगे कि वो लड़का ठीक था। तो परिस्थिति ऐसी होती है, मैं किसी का कोई बुराई नहीं है मेरा किसी से। जी। तथागत गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है कि आप अगर अपनी सच्चाई से चलते रहे तो सब लोगों को आस्त कर सकते हैं और सभी को विफल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज है। बुद्ध ने कहा कि आप बुराई को सच्चाई से जीत सकते हैं। अगर आप कोई आपसे नफरत करता है तो आप उसको प्यार से जीत सकते हैं, तो हम प्यार से जीत कर दिखाएंगे जी। यानी कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता, आप सबके बैर समाप्त करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सबका होगा जी, देखना सबका अच्छा होगा। तो बहुजन समाज पार्टी का एक यही मिशन है कि बैर से बैर समाप्त करना और सबको एकजुट करके, इकट्ठा करके बहन जी को, इन सभी ने एक यहाँ पर प्रण भी आज भी लिया है और 13 तारीख को भी लिया था रामलीला ग्राउंड में कि बहन जी को ही पीएम बनाना है। 25 से 30 हज़ार आदमियों को जब शपथ लेते हुए सुना गया तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं तो वैसे भी बीएसपी का आदमी हूँ, बीएसपी को वोट देने वाला हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैं यही चाहता हूँ कि अगर शासन अच्छा लाना है तो बहन जी को पीएम बनाना है। जय भीम, नमो बुद्धा। कैमरा पर्सन निशा के साथ करोल बाग, यूटीवी। ये वो 63 संविधान है जो यहाँ पर ये बांटे जाएंगे बहन जी के जन्मदिन पे। जयप्रकाश जी सबको गिफ्ट देने के लिए लाए हैं। ये बहन जी के जन्मदिन पे गिफ्ट दिया जा रहा है, भारत का संविधान। जी हाँ, करोल बाग में 63वां जन्मदिन बहन जी का मनाया जा रहा है और वहीं पर ये संविधान सबको गिफ्ट में बांटे जाएंगे। ये कुछ जिम्मेदार लोगों को संविधान दिए जा रहे हैं मंच पे बांटने के लिए। आप लोगों को सेलेक्ट ये वो 4-5 जिम्मेदार लोग हैं जिनको संविधान मंच तक पहुंचाने के लिए दिए गए हैं और सभी को गिफ्ट में बांटे जाएंगे। एक मिनट रखना। और कौन है जिम्मेदार साथी? भैया हाँ, आप तीन निकाल के होते हैं, तीन निकाल के इधर को भी करो। ये साहब कौन है? नहीं नहीं, हमारे साथ है। कौन है? कितने हैं ये? कितने संविधान दिए सर? ये 63 संविधान है। आज बहन जी का 63वां जन्मदिन है। बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको 63 संविधान बांटे गए हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहन जी के कटने के बाद संविधान उन सबको एक एक कार्यकर्ता को दिया जाएगा जी। आप भी बहन जी को पीएम बनाने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पीएम बनाने के लिए हमारे पास चारा कुछ है ही नहीं, रास्ता कुछ है ही नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही, लक्ष्य हमारा एक ही है कि बहन जी को पीएम बनाना और आखिरी सांस तक पीएम बनाना। मैंने सुना है आपने बहन जी को पीएम बनाने के लिए अपने कारोबार में भी कमी कर रखी है। कारोबार तो चलते रहेंगे, पर हमारा अगर वोट परसेंटेज डाउन हो गया या हमारी जो पार्टी का जो सिंबल है ये अगर खतरे में चला गया, ये छिन गया, मनुवादियों के हाथ में चला गया, तो ये वापस नहीं आएगा। कारोबार तो दोबारा से हम उसको रिस्ट्रक्चर करके बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, 5 साल बाद खड़ा कर सकते हैं। पर जो हमारा जो संविधान है, जो हमारा मान सम्मान का प्रतीक है, जो हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है, जो हमारी पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय मान्यता खतरे में है, वो कभी वापस नहीं आएगी। आप दिल्ली महासचिव थे जी। तो अब आप पद पे नहीं है, फिर भी आप बीएसपी के लिए ही काम कर रहे हैं? मैं पहले पद पे नहीं था, तब भी करता था, आज पद पे नहीं तब भी बीएसपी के लिए काम करता जी। और आगे भी रहेंगे? बिल्कुल आगे भी रहूंगा जी। सर, आप कुछ बहन जी के जन्मदिन के बारे में कहना चाहेंगे? बहन जी को बहुत बहुत मुबारकबाद जन्मदिन की, बहन जी को और बहन जी पूरे बहुजन समाज को। और ये 2019 बहन जी के लिए अहम है और 2019 में बहन जी ऐसा लग रहा पूरे भारत में कि जरूर पीएम बनेगी जी। और मैं अब भारत के युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि रात दिन लग जाओ बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी। क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ा था पहले, क्या आप लोगों को इलेक्शन लड़ाने के लिए प्रेरित और
जिताने के लिए काम करेंगे। जी सर, और हमारा उद्देश्य ये है और हम जो ये कहना चाहते हैं कि अगर देश को सुरक्षित रखना है और लोगों को सुरक्षित रखना है तो बहन जी को पीएम बनाना बहुत जरूरी है। आज की आवाज़ है, लोगों की पुकार है ये, बहन जी को 2019 में पीएम बनाना है। जी, बहन जी को पीएम बनाने के लिए सभी लोग लगे पड़े, आपकी क्या वो है? बहन जी हम सबकी माँ है और माँ का सम्मान करना, माँ का बहन जी का सम्मान करना, प्रधानमंत्री के जो हम उनको पद पे बैठा देंगे तो वो सम्मान होगा। बहुजन समाज आज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर इस भारत की नायिका, अगर बहुजनों की कोई मसीहा है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। बाबा साहब के जो आइडियोलॉजी थी उसको स्थापित करने की काम कर रहे हैं। माननीय काशीराम जी का संघर्ष को लेकर चल रहे हैं। तो बहुजन समाज का सारा युवा अब अपनी माँ बहन कुमारी मायावती जी को देश का शासक बनाने के लिए आतुर है और 2019 में हम ये करके दिखाएंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम।